नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल में सब टीमें अपनी जोर आजमाइश आजमा रही हैं, सबकी नजरें अपनी फेवरेट टीम पे है, लेकिन एक ऐसी टीम है जो पिछले 17 साल से किताबी मुकाबले नहीं जीते, इस बार भी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी। आरसीबी अपने अब तक प्रदर्शन में निरंतरता रखने में नाकाम रही है। आरसीबी की टीम में बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी होने के बाद भी वो अभी तक कोई बड़ा मुकाबला ऐसा कुछ नहीं कर पाए मुकाबले में कि लगे कि वो 2024 का आईपीएल जीत पाएंगे। अब उनका मुकाबला अगला लखनऊ के साथ खेला जाना है। लखनऊ के साथ उन पे अगर नज़र डालें कि क्या लखनऊ की टीम को हरा के आरसीबी अपने जीत की पटरी पे लौट पाएगी, इस पे भी कई सारे सवाल हैं। अगर आपके मैचों की बात करें, अब तक 3 मैच खेले हैं जिनमें उनके खाते में 2 ही अंक है और इस अंक के साथ वो 7वें पायदान पे खिसक गए हैं। और बात करें केकेआर के खिलाफ, जिस तरीके से करारी हार मिली, इससे उनके रन रेट में भी फर्क पड़ा। और आज आईपीएल में बात करेंगे इस मुकाबले में आरसीबी और लखनऊ में किसका पड़ा, किस पे भारी है। और आईपीएल 2024 की बात करें, ये 15वां मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और लखनऊ के बीच में। इस मुकाबले में खास बात ये रहेगी कि विराट कोहली के अलावा उनके जो टॉप ऑर्डर हैं और खास करके मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बल्लेबाज क्यों नहीं चल रहे हैं, नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। और दूसरी बात करें सिराज, जो पूरे एशिया कप में कमाल का प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन आईपीएल के इस सीजन में अब तक सबसे महंगे साबित हुए। कहें तो हर 10 रन प्रति ओवर खर्च कर रहे हैं, जो कि आरसीबी के लिए एक चिंता का विषय है। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोक्ष जी हैं जो दिल्ली प्रदेश से खेलते हैं, भीष्म सिंह हैं पूर्व कोच हैं आईसीसी Level 1 के दुबई से, और उसके साथ प्रांजल तिवारी जी हैं जो अमेठी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ एक खास मेहमान आज लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अभ्युदय, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेलते थे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर विराट के अलावा कोई चल नहीं पा रहा है। नमस्कार अंशुमन, नमस्कार सभी पैनलिस्ट साथियों को। आपने सुना होगा ना, जब ज्यादा सितारे एक साथ आ जाते हैं जी जी, तो तब हमेशा ये लगता है कि ये टीम तो बहुत रॉक करने वाली, ऐसा लगता है जी जी। लेकिन अगर आप आरसीबी का पूरा इतिहास देखोगे तो हमेशा ही स्टार से सुसज्जित रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, डिविलियर्स रहे हैं और अभी भी बहुत बढ़िया टीम है। लेकिन होता क्या है, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो लगातार एक ही व्यक्ति पिछले लगातार सालों से दिखाए जा रहे हैं, वो है विराट कोहली। तो जब बड़े प्लेयर्स एक साथ ज्यादा जुटे होते हैं तो दबाव भी उतना ही रहता है एक दूसरे से ऊपर प्रदर्शन करने का, तो कहीं ना कहीं वही दबाव इन प्लेयर्स के ऊपर भी झलक रहा होगा, क्योंकि इतने बड़ी स्टार बैंक भी इतनी तगड़ी है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं दबाव जरूर रहता है। देखिए, आईपीएल अपने देश के लिए खेलना और आईपीएल एक अलग लेवल का ही टूर्नामेंट हो गया है, बिल्कुल, जहां बड़े से बड़ा प्लेयर भी बेंच पर बैठा हुआ, तो वही आरसीबी के साथ चल रहा है। बिल्कुल 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 जी। मोक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विराट कोहली तो एक बड़े प्लेयर हैं और इस सीजन में ओपन भी कर रहे हैं, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथी डुप्लेसी को क्या हो गया? इतने अच्छे खिलाड़ी हो के मैक्स बेल हो गए, ये दो आपके जब टॉप ऑर्डर जब तक आपका नहीं चलेगा तो आप किसी मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे, और टूर्नामेंट तो जीतने की बहुत दूर की बात है मोक्ष। हाँ जी जरूर, जैसे कि मतलब अभी तो ज्यादा मैचेस हुए नहीं है आरसीबी के, 3 ही मैचेस हुए हैं, तो इतनी जल्दी किसी भी बैटिंग लाइनअप को जज करना मेरे हिसाब से एक फेयर नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे मेरे को आरसीबी की टीम का कंसर्न नजर आता है वो है बॉलिंग लाइनअप में जी। देखिए, बैटिंग आपको एक आध मैचेस जिता सकती है, लेकिन बॉलिंग आपको बिल्कुल बिल्कुल जिताएगी, टूर्नामेंट जिताएगी जी। तो बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखेंगे तो उतना एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा। देखिए, सिराज फॉर्म में नहीं है, यश दयाल आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात कर ले तो स्पिन बॉलिंग में सिर्फ मयंक डागर एक नजर आते हैं एंड क्रिस ग्रीन, तो बॉलिंग लाइनअप उनका उस हिसाब से इस साल इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा डामाडोल है आरसीबी की सिचुएशन। बैटिंग लाइनअप हाँ, 3 मैच हो गए हैं, नहीं चल पाए हैं, फैब डुप्लेसी नहीं चल पाए हैं, मैक्सवेल नहीं चल पाए हैं, उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहे हैं,
लेकिन मेन कंसर्न जो मुझे नजर आ रहा बिल्कुल है बॉलिंग मोक्ष, मैं मानता हूं कि बॉलिंग उनकी एक चिंताजनक है, लेकिन आप जिसके लिए जाने जाते हैं, आपके यहाँ अगर बात करें ओपनर से लेकर टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर, आपके यहाँ बल्लेबाजों की भरमार है और वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्लेयर आपके पास हैं, चाहे मैक्सवेल की बात करें, चाहे दिनेश कार्तिक की बात करें, डुप्लेसी की बात करें, उसके बाद भी आपका बल्ला खामोश है। एक दो मैच आप कह रहे हैं, मानता हूं मैं 3 मैच है, लेकिन अनुज रावत जैसे जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, खूब वाहवाही हुई दिनेश कार्तिक हुई, उसके बाद जिस तरीके से आप विकेट गवा के जा रहे हैं मोक्ष, सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आप इतनी बड़ी टीम के साथ आप हैं और इतना कुछ हो रहा है उसके बाद भी आप निरंतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इस पे आपकी क्या राय? जरूर जरूर जरूर, मतलब ये तो है कि उस हिसाब से बैटिंग लाइनअप अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाई है। जैसे कि मैं जो अपना पॉइंट बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जब चेस करने की बारी आई थी नीचे, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने एक अच्छा मैच चेस करके आरसीबी को दे दिया था। बिल्कुल। लेकिन अगर केकेआर के साथ आप मैच देखेंगे तो 185 रन बनाए आरसीबी ने, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से केकेआर आई एंड उनको खत्म कर दिया, मतलब 17 ओवर के अंदर ही उसको चेस कर दिया, वन साइडेड चेस कर दी 185 रन की। तो वही मेरा पॉइंट है कि बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत ही वीक नजर आ रही है, इससे आप कब तो शायद बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से सेमीफाइनल तक भी मुश्किल पहुंचना है। बिल्कुल, बीच में एक सवाल मेरा आपसे कि आप तो मेरठ के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझते हैं, लखनऊ के लिए भी बहुत सारे मैच खेले हैं आप, तो उस पे मेरा सवाल है कि लखनऊ इस बार कितनी उम्मीदों के साथ इस आईपीएल में बढ़ रही है और क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, लखनऊ आज पर मेरे से सवाल है या मोक्ष जी से? जी जी आपसे, बीच में जी आपसे सवाल है। अच्छा, लखनऊ का प्रदर्शन आपने पिछले मैच में देखा होगा, अभी आईपीएल का पिछला हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और लखनऊ के स्क्वाड की मैं स्क्वाड को देख रहा था तो उन्होंने 7 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स रखे हुए हैं टीम में, बैटिंग लाइन बहुत जबरदस्त है और बैलेंस टीम है। जैसे जैसे आगे चलेगी, अभी एक जीत और एक हार है, अभी शुरुआत है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये टीम, जैसे पिछले साल भी बड़ा अच्छा किया था लखनऊ ने, केएल राहुल बहुत ही कूल कप्तान है, अब लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी उनके खिलाड़ी भी, और बहुत ही बैलेंस सी टीम है जो पूरी स्क्वाड इनकी है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अच्छा करेगी। और दिल लखनऊ भाई हमारा उत्तर प्रदेश का है तो हम चाहेंगे कि लखनऊ इस बार कप उत्तर प्रदेश को दे। जी बिल्कुल, और प्रांजल, अगर हम प्रांजल अगर पैनलिस्ट में जुड़े हैं, प्रांजल मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है प्रांजल जी, जी जी, मैं मोक्ष के पास वापस लौटूंगा। मोक्ष, क्या लगता है कि अब तो T20 वर्ल्ड कप भी होना है 1 जून से, अब एक दो दिन के अंदर टीम का ऐलान भी हो जाएगा, तो अब तक पूरे सीजन में अगर आप देखें 15 मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और लखनऊ के बीच में, आपको ऐसे कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं? डेफिनेटली एक ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग की काफी एक बात चल रही है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, संजू सैमसन हो गए, ईशान किशन हो गए, एंड आपका ध्रुव जुरेल हो गए, जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने टेस्ट मैच में हाल ही में, तो एंड ऋषभ पंत अभी काफी अर्ली स्टेज में है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि विकेट कीपिंग अगर ऋषभ पंत, जैसे आप देखिए कल ही 50 रन भी बनाए हैं उन्होंने, तो विकेट कीपिंग का दाम अगर ऋषभ पंत संभाले तो ज्यादा बेटर है। एंड यशस्वी जायसवाल कैसे भूल सकते हैं हम उन्हें, जैसे वो टेस्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, एंड अभी आप आईपीएल में उस हिसाब से अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली लंबा सीजन है तो यशस्वी जायसवाल पे भी आईज रहेगी सबकी कि ये भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड बिल्कुल, बीसवी जी एक सवाल आपसे कि दोनों टीमों को अगर बात करें, क्योंकि दोनों टीमें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी टीमें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन टीम दोनों टीम में आप भारतीय टीम के सिलेक्शन में किन प्लेयरों को देख रहे हैं और क्या रोल देख रहे हैं आप? आप बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की और आरसीबी के बीच? जी जी, आरसीबी और लखनऊ। आरसीबी और जी 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 लखनऊ में मैं देखिए, मोक्ष ने जिक्र किया है, मोक्ष एक विकेट कीपर को भूल गए, जैसे कभी राहुल द्रविड़ जिम्मेदारी संभालते थे विकेट कीपिंग की, और उन्हीं के नाम राशि है केएल राहुल। केएल राहुल भी बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ऋषभ पंत या धोनी या उस तरह की विकेट कीपिंग है, बट अगर उनका बैटिंग और जो उनकी प्लेस देखी जाए हमारी T20 स्क्वाड, तो मुझे लगता है सबसे अग्रणी अभी वही है। संजू सैमसन भी है, लेकिन मैं ऋषभ पंत के लिए बहुत खुश हूँ कि वो कमबैक कर रहे हैं और फिट दिख रहे हैं बहुत अच्छा। नहीं, तो केएल राहुल तो मैं चाहूंगा स्क्वाड में रहे। जी जी,
नहीं, मोक्ष जी का कहना था कि क्योंकि वर्ल्ड कप में देखा गया कि केएल राहुल वो विकेट कीपिंग नहीं किए, जिस तरीके से वो चोट से उभरे हैं उसके बाद वो विकेट कीपिंग करना ही छोड़ दिए, इसलिए मोक्ष ने कहा। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे भी इसमें जी, कि अगर पिछला मैच देखें अगर लखनऊ का, उसमें वो कप्तानी नहीं किए, वो चोटिल हैं, तो क्या है लखनऊ के लिए भी चिंताजनक है और टीम इंडिया के लिए भी चिंताजनक है केएल राहुल का चोटिल होना? उनकी जगह कल पूरन कप्तानी कर रहे थे पिछले मैच में। जी बिल्कुल, लखनऊ के लिए तो जरूर लक्ष्मण बहुत ही चिंता की बात है, केएल राहुल के बिना अधूरी है टीम। हालांकि बड़े बड़े नाम हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी बहुत जैसे कूल कैप्टन है, तो केएल राहुल के बिना वाकई में अधूरी है। और इंडियन स्क्वाड के हिसाब से भी देखेंगे भाई, मैं मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है केएल राहुल। उसके पास हर दिशा में स्ट्रोक है, वो ऑन साइड में भी उतने स्ट्रॉन्ग है, ऑफ साइड में भी ऑफ द ग्राउंड जबरदस्त है। तो यहाँ लखनऊ को जरूर उनकी कमी खलेगी, अगर ये जल्दी ही चोट से उबर कर वापस नहीं आते हैं तो नुकसान हो सकता है। बाकी इनकी स्क्वाड बहुत अच्छी है लखनऊ की, तो बहुत ज्यादा अगर देखिए इंजरी अगर प्रोलॉन्ग होती है तो वो नहीं चाहेंगे कि उसको आगे के लिए अपने रिस्क लें इस करियर पे, तो इसीलिए भी शायद वो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है उनकी। मोक्ष जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने भीष्म जी। मेरा एक सवाल आपसे कि क्विंटन डिकॉक को आपने वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा, उनकी टीम भले साउथ अफ्रीका अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन लखनऊ के साथ जुड़े हैं तो कितनी उम्मीदें, और खास करके लखनऊ के ग्राउंड पे उनकी सेंचुरी कौन भूल सकता है जिस तरीके से उन्होंने लगाए थे। अभी तक उनका भी बल्ला खामोश है, जिस क्लेवर के खिलाड़ी जानने जाते हैं, जिस कैपेसिटी के लिए जानते हैं, उनका भी बल्ला नहीं चल रहा, आयुष का भी नहीं चल रहा है और माइकल का भी नहीं चल रहा है, और स्टोनिस तो बिल्कुल पूरी तरीके से शांत है। मोक्ष, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है, क्या राय है? सर वो कहते हैं ना कि जैसे तूफान से आने से पहले की खामोशी है ये। अच्छा, मतलब अगर तीन तीन मैचेस हैं अभी आप उतनी जल्दी नहीं जज कर सकते, लंबा टूर्नामेंट है, सबको शायद 14 मैचेस खेलने हैं, एंड डिकॉक है, राहुल है, मतलब डिकॉक अभी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है किसी की, लेकिन कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, जब ये लोग आएंगे तो एकदम भर के आएंगे। एंड लखनऊ काफी अच्छी बैलेंस साइड नजर आ रही है, जैसे कि भीषम जी ने भी जिक्र किया, अगर आप बॉलिंग देखेंगे कंप्लीट बॉलिंग है, मयंक यादव एक नया टैलेंट निकल के आए हैं, जैसे कि 150 की रफ्तार से जो बॉल खेल रहे हैं, नवीन उल्लख, रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या, तो बिल्कुल एक कंप्लीट सेटअप नजर आ रहा है। बॉल स्पिन बॉलिंग पूरी आपकी कंप्लीट है, जो फास्ट बॉलिंग है वो कंप्लीट है, बैटिंग में अभी उतना जोर नहीं, शायद वो फॉर्म में नहीं आ पा रहे क्विंटन डिकॉक या स्टोइनिस, लेकिन अगर वो भी अगर फॉर्म में आ गए तो लखनऊ को रोकना काफी मुश्किल होगा। इस भीष्मी जी, एक सवाल मेरा है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर लखनऊ से नाता तोड़ के केकेआर के साथ पुराने रिश्ते निभाने चले गए, इसका कितना फर्क पड़ता है? इतने बड़े टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपका मेंटोर अगर चला जाए और केकेआर के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जब से वो जुड़े थे खास करके लखनऊ के साथ बहुत उमदा प्रदर्शन टीम कर रही थी, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं एज ए क्रिकेटर? जी अश्विन, एक लॉस है गंभीर का जाना, वो भी टूर्नामेंट से बिल्कुल जब मुहाने पर था टूर्नामेंट तब उनका केकेआर में जाना, और जाना वो देखो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, शुरुआत से वो गंभीर वहीं रहे हैं, वहीं इसलिए गए भी हैं, लेकिन हाँ लखनऊ के जो थिंक टैंक जो प्लानिंग थी उनकी पूरी, उसके लिए जरूर एक ये मैं कहना चाहूंगा सेटबैक है थोड़ा सा, उबर जाएगी इससे टीम, क्योंकि मेंटोर देखिए आप जब कोई टीम एक प्लेयर आप पूरा सेशन हम तैयार करते हैं, ट्रेनिंग जब हमारी चलती है तो जिस व्यक्ति की देखरेख में जो एक मेंटोर की देखरेख में चलती है और वो अचानक टूर्नामेंट से पहले यदि हट जाता है तो प्लानिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, हम पीछे अभी रिकॉर्ड बनाया है एमएस धोनी ने भाई, मुझे लगता है कि जवाब नहीं है उस व्यक्ति का, 300 में बहुत बड़ा कीर्तिमान, तो एक बहुत बहुत बधाई हो धोनी को, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, इसी पे एक सवाल आपसे पूछो, आपने दिल्ली के साथ सीएसके के मैच देखे हो, बंदा 42 साल की उम्र में जिस तरीके से 16 बॉल पे 37 रन मार देता है, और अगर बात करें 380 मुकाबले लगभग उन्होंने T20 के खेल चुके हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार तीन मैच तक वो बल्लेबाजी ना की हो, जिस तरीके की भले सीएसके 20 रन से हार गए, लेकिन कल अगर दिल्ली के मुकाबले और सीएसके के मुकाबले में अगर देखें जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, उस पर आपकी क्या राय है भीष्म जी?
देखो मैंने कहा ना कि वो एक सेइंग है कि एज इज जस्ट ए नंबर। धोनी जी ने बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि वो एज को सिर्फ एक नंबर मान के चल रहे हैं। भाई गजब के रिफ्लेक्सेस हैं, 42 साल की उम्र, और 42 साल की उम्र में देखिए, बॉडी, हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं जब एज ए अपने फिजिकल एजुकेशन में, तो हमारी बॉडी की लिमिट हो जाती है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। लेकिन वो कहाँ है धोनी के बारे में, वो गलत है। आज से लगभग 5-7 साल पहले हम एक शो कर रहे थे, तो हमने कहा था कि धोनी को अब चले जाना चाहिए, मैंने ही कहा था। लेकिन मैं आज उस वर्ड को, अपने को आज 5-7 साल बाद ये कहता हूँ कि भाई मैं वो गलत बोल रहा था। उन्होंने अपने अपनी डेडिकेशन से, अपने अपने क्रिकेट के लिए जज्बात, अपने डिवोशन की वजह से आज प्रूव कर दिया है कि विश्व में अभी भी जब तक वो चाहें खेल सकते हैं। बिल्कुल मोक्ष, एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप एक युवा क्रिकेटर हैं, बहुत सारे क्रिकेटर के साथ तो आप बातचीत करते होंगे। जब भी मैच खत्म होता है, धोनी के आसपास सारे युवा क्रिकेटर खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कलला के भूख। कल मैंने डेविड वार्नर को देखा, वो भी खड़े थे, तो ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई कि इतना बड़ा प्लेयर और धोनी से क्या सीख रहा होगा। तो इस तरीके से तस्वीरें जब आती है जहन में, तो युवा क्रिकेटर के बीच में किस तरीके से बातचीत होती है, आप लोग इनके खेल से क्या क्या ग्रैब करते हो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने लायक है, खास करके धोनी पूरी एक तरीके से पाठशाला ही है क्रिकेट की। जरूर, वो कहते हैं ना कि तजुर्बा जितना भी ले लो वाह क्या कम है। बात, एंड अगर आप एक यंगस्टर हैं तो, और यंगस्टर हैं आप, आईपीएल खेल रहे हैं, आपके सामने धोनी खड़े हो एंड आप धोनी से सीखने को आपको मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उनसे पर्सनली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज तो शायद ही कुछ होगी। डेविड वार्नर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एमएस धोनी जैसे आप देख सकते हैं, मतलब 8 नंबर पे बैटिंग करने आए कल, इतना नीचे, जहाँ पे सारे बैट्समैन इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे हैं मारने में, जडेजा स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना एफर्टलेसली वो आके मार रहे हैं इस एज में, एंड जैसे वो कैचेस पकड़ रहे हैं, मतलब आउट, मतलब क्या आप इसके लिए वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाएंगे इनकी, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए। एक हाथ से छक्के मार रहे हैं, मतलब एनरिक नॉर्किया इतना तेज बॉलर, एंड आप उनको एक हाथ से छक्का मार रहे हैं, आप इनसाइड आउट छक्का मार रहे हैं, मतलब काफी, जो वो इनसाइड आउट शॉट था वो खेलना उतना आसान नहीं है, मतलब जितना मैं जानता हूँ, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बेंड होके पीछे वाला जो घुटना है बिल्कुल नीचे रख के इनसाइड आउट शॉट मारा है। एनरिक नॉर्किया अपने में तेज बॉलर, 150 के आसपास फेंकते हैं, उनको आप एक हाथ से छक्का मार रहे हैं, तो ये चीज तो मतलब आउट ऑफ आपकी द दिखाते वर्ल्ड ही हो। है, उनके बारे में कुछ भी और बोलना। रनआउट कौन भूल सकता है कि इस उम्र में जिस तरीके से उन्होंने विकेट कीपिंग के पीछे उन्होंने रनआउट किया था, बॉल फेंका था, कमाल का हाँ फिटनेस जी लेवल दिखाता है। बिल्कुल मोक्ष सही कह हाँ रहे हैं। जी, कैचिंग कर रहे हैं, एंड मतलब उसके बाद अब, मतलब एक यंगस्टर है 20-22 साल का लड़का है, जैसे समीर रिजवी है, अपने से ऊपर प्रमोट करना, बिल्कुल मतलब उनको बैटिंग की भूख उतनी नजर नहीं आ रही है आपके, मतलब समीर रिजवी है, कह रहे हैं जाइए आप फिर से पहले खेलिए, मतलब वो एक्सपोजर लीजिए, धोनी तो के यही तो मतलब कमाल है मोक्ष ना, कि रहाणे 2.0 शायद हम लोग देख पाते अगर वो सीएसके में ना आते। जब आते हैं 33 बॉल पे 75 मार देते हैं, कभी 26 पे वो 50 मार देते हैं, तो धोनी के गाइडेंस में तो वाकई में बदला है। जी, दो लाइनें बोलना मैं चाहूंगा मैं धोनी जी के ऊपर, जी, वाह बिल्कुल अगर इजाजत हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष दिन की पहली कमाई को बोलते हैं बोनी, वाह और जो हर बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दे उसका नाम है महेंद्र सिंह। वाह कमाल का मोक्ष जी जी, तो आप तो क्रिकेटर से बिल्कुल सहर बन गए। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सुनाया। भीष्म जी क्या कह रहे थे, बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर महान बने, इतना लंबा जी सफर करियर रखा, बिल्कुल देखिए व्यक्ति का कितना ही बड़ा जी जी प्लेयर हो, उसका जो जी व्यक्तित्व होता है ना, वो उसको लंबे समय तक लेकर जाता है। अभी अभी प्रेजेंट में क्रिकेटर में नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो कहते हैं ना कि जो जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुका होता है, और जो 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 फड़कता है ना वो जल्दी गिर जाता है। तो ये बिल्कुल समझना चाहिए, क्रिकेटर्स के लिए एक लेसन है कि जितने आप हम्बल रहेंगे उतने आगे बढ़, धोनी ने ये दिखा दिया है कि बिल्कुल, सिंपल सिटी इज द बेस्ट। उसका तो कोई तोड़ नहीं। दोनों दोनों हमारे गेस्ट से एक लास्ट रिएक्शन लूंगा, उसके बाद प्रोग्राम वक्त इशारा कर चुका है प्रोग्राम को खत्म करने का। दोनों मैच अगर आप, दोनों जन से मैं जानना चाहूंगा मोक्ष, पहले आप बताएं कल अगर आरसीबी और दिल्ली के भी का मैच आपने देखा किस तरीके से रहा, अब लखनऊ आरसीबी के मुकाबले में कौन सा आपको प्लेयर लग रहा है कि जो सबसे उमदा प्रदर्शन करने वाला है और गेम चेंजर साबित होने वाला है, 10 सेकंड में आप रिएक्शन दें।
लखनऊ और आरसीबी मेरे हिसाब से विराट कोहली, क्योंकि जैसे बेंगलोर में मैच है एंड एकदम फ्लैट ट्रैक है, तो एंड जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है पीछे आते हैं बैड ड्रेस, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली अच्छा चलिए परफॉर्म करेंगे। चलिए, बीच में जी आपको क्या लगता है कि दोनों टीम में सबसे गेम चेंजर प्लेयर कौन साबित होने वाला है? मैं अगर आरसीबी की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि फाफ अपने फॉर्म में आए वापस, उनके वो स्ट्रोक देखने को मिले। और अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो मैं देवदत्त के वो लंबे लंबे छक्के देखना चाहूंगा दोनों तरफ अच्छा, से। चलिए धन्यवाद। आज दोनों मेहमानों हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे कल फिर बढ़ाएंगे, आज दीजिए इजाजत, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया है।